उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से दौड़ रही डग्गा मार बसें, जिसके चलते सरकार को लगाया जा रहा है लाखों का चूना। जिम्मेदार अधिकारी जानते हुए भी इस बात से अनजान बन रहे हैं। हम आपको बताते चले कि ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का है, जहां पर जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से लखनऊ से सीतापुर, दिल्ली, पानीपत सहित तमाम जगहों के लिए प्राइवेट डग्गा मार बसें राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाई जा रही हैं। हमें मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल रोडवेज बसों के अलावा कोई भी प्राइवेट बस ना चलाए जाने की बात कही जा रही है, परंतु जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से प्राइवेट बसों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहा है। इतना ही नहीं, नियम तो यह भी है कि रोडवेज बस स्टैंड के करीब 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट बस ना खड़ी हो, ना ही इसमें कोई सवारी बैठे, परंतु सीतापुर रोडवेज बस स्टैंड से महज 50 मीटर की दूरी पर प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं। लखनऊ से चलकर सीतापुर होते हुए सीधा लखीमपुर जाती हैं ये डग्गा मार बसें। सूत्रों की माने तो सीतापुर बस स्टैंड पहुंचने से पहले उनके आदमी लगे होते हैं। ये डग्गा मार बसें लखनऊ से चलकर अधिकारी इस बात को जानते हुए भी इससे दिल्ली, पानीपत सहित तमाम जगहों तक जाती हैं। परिवहन विभाग को लाखों ये बसें राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती हैं। पूरे मामले में एआरआई सीतापुर से बात की गई तो उन्होंने इन वाहनों की चलाई जाती हैं। परिवहन विभाग को हो रहे नुकसान को हर महीने लाखों रुपए का चूना भी लगाया जाता है। माध्यम से जिलाधिकारी फिर भी आरटीओ सहित पुलिस जिम्मेदार अधिकारी अवगत कराए बैठे हैं, परंतु पूरे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई। उदित नारायण पांडे से बात की गई बसे तो महोदय ने बात को गोल गोल घुमाते हुए लखनऊ रटा रटाया जवाब दे दिया। पानीपत सहित तमाम इसके लिए हमने एआरटीओ साहब को पत्र लिखा हुआ है, साथ ही साथ हमने उसकी कॉपी डीएम साहब को भेजी है, कप्तान साहब को भेजी है, क्योंकि ये पुराना ही शासनादेश है कि जो भी हमारा बस स्टैंड है उससे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी प्राइवेट बस अड्डा नहीं हो सकता है और कोई भी प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो सकता है। तो इस शासनादेश को हमने संलग्न करते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है, और इसके साथ साथ ये भी है कि ये बसें जो संचालित हो रही हैं वो लखीमपुर लखनऊ मार्ग पर हो रही हैं, जो कि राष्ट्रीयकृत मार्ग है जिस पर सिर्फ रोडवेज बसें ही सवारियाँ जो है चढ़ा और उतार सकता है, बाकी और कोई सवारियाँ नहीं ढो सकता है, लेकिन इनके द्वारा पूरी डब्बेमारी की जा रही है। और अभी हाल ही में एआरटीओ साहब द्वारा कार्रवाई भी की गई है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर नियंत्रण किया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग का काफ़ी चूना लगा जा रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है इससे। काफ़ी एक तो ट्रेन भी चल रही है, उसके बाद हमारी बसें भी जो है काफ़ी संख्या में ट्रेन बंद होने पर जो लगी थी, तो अब सवारियों की कमी की वजह से जो है इस ये साथ साथ और भी उसमें हमारे लिए हानिकारक हो रहे हैं। तो अभी तो चूँकि हमारे किराए में भी अंतर है, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो भी हमारा ज़्यादा रहता है और हम लोग स्टेज वाइज में पर सीट के टैक्स दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा किराया भी उनसे अधिक होता है, तो हमारे में सवारियाँ जाहिर सी बात है थोड़ी सी कम होती है। देखिए एज ए प्रवर्तन अधिकारी मेरे द्वारा समय समय पर चेकिंग की जाती है। मैं अगर अप्रैल सेप्टर के आंकड़ों पर बात करूँ तो 106 ऐसी बसों पर कार्रवाई हुई है जो परमिट शर्त का उल्लंघन करते हुए पाई गई है, और 32 ऐसी बसों पर परमिट कैंसिलेशन के लिए भी सूचना मुख्यालय को भेजी गई है जो लगातार ऑफेंस करते हुए पाई गई। समय समय पर बंद की जाती है, जुर्माना किया जाता है और ये कार्यवाही लगातार चलती है। और ये बस स्टॉप से कितनी दूर तक अगर प्राइवेट गाड़ी भरती है तो कितनी दूर में? प्राइवेट गाड़ी अगर 1 किलोमीटर परिधि के अंदर है तो वो अवैध है और उसको अवैध मानते हुए उस पर कार्रवाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह सिलसिला कब खत्म होगा? क्या चालान करने से समस्या से निजात मिलेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।